दिल्ली में चल रही भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई और माना जा रहा है कि चुनाव समिति ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की वकालत की। इसके साथ ही बैठक में पहले, दूसरे और तीसरे चरण की 172 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा हुई। भाजपा जल्द ही अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। बैठक से निकली खबरों के अनुसार भाजपा एक और तुरुप का पत्ता खेल सकती है। बसपा के जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए जाटव समाज को पहले से अधिक सीटें दे सकती है। 2017 में भाजपा के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 85 सीटों में से 20 सीटों पर जाटव समाज के लोगों को टिकट दिया था। वहीं पश्चिमी यूपी में सपा और रालोद के गठबंधन की धार कुंद करने के लिए भाजपा जाट और गुर्जर समाज के नेताओं को 2017 की तुलना में ज्यादा टिकट देगी। पिछले चुनावों में पार्टी ने सरदार बलदेव सिंह औलख सहित 16 जाट उम्मीदवार उतारे थे। वहीं अभी तक माना यह जा रहा था कि भाजपा योगी को मथुरा से चुनाव लड़ा सकती है। इस खबर को इसलिए भी बल मिल रहा था क्योंकि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण के बाद भाजपा का अगला निशाना भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा के पुनरुद्धार का है। भाजपा इस पर तैयारी भी कर रही है। सीएम योगी कई मौकों पर कह चुके हैं कि अगर पार्टी कहेगी तो वो मथुरा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और उनकी नजर अब मथुरा के संपूर्ण विकास पर है। वहीं इस बैठक से ही ये खबर भी आई कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा और दूसरे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को लखनऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। भाजपा ने पहले तीन चरणों के लिए 60 सीटों पर मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का फैसला किया। यही कारण है कि कई विधायक और मंत्री मौका देखते ही दूसरी पार्टी में ऐसे भाग रहे हैं जैसे वो बहुत बड़े तुर्रम खान थे और अब भाजपा छोड़कर दूसरी पार्टी से चुनाव जीत लेंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने जाटव वोट बैंक को साधने के लिए उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा दिलाकर पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया है। भाजपा ने अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बेबी रानी के करीब 90 सभाएं और बैठकें भी कराई हैं। एक और ताजा जानकारी के अनुसार अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल व निषाद, पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और उनके पुत्र प्रवीण निषाद ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर सीटों के बंटवारे पर बातचीत की। अनुप्रिया ने अवध और बुंदेलखंड की आधा दर्जन सीटों समेत 2 दर्जन सीटों पर दावा किया, जबकि संजय निषाद ने भी 10 से ज्यादा सीटों की मांग कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।